प्रेमी ने प्रेमिका का गला दबाकर उतारा मौत के घाट, फिर प्रेमी ने भी की खुदकुशी। 12 तारीख को कलंबोली पुलिस स्टेशन में एक लड़की की मिसिंग होने की कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इसके बाद नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को लड़के के मोबाइल में सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है और एक लोकेशन लिखा था जिसमें LOI 501 का जिक्र था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि वह एक पेड़ का नंबर है जिसे सिडको वन विभाग नंबर के तौर पर यूज करती है। जिसके बाद पुलिस की टीम उस पेड़ के नीचे पहुंची तो वहां डेड बॉडी लड़की की मिली है। क्राइम ब्रांच के DSP अमित काले ने बताया कि लड़के और लड़की का पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चालू था, अदर कास्ट के होने से विवाह नहीं कर पा रहे थे। सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया है, साथ ही लिखा है कि इस जन्म में नहीं मिल पाए लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, और लड़के के मोबाइल में कुछ लड़की और लड़के की असली वीडियो भी मिली है। 12 तारखेला कळंबोली पोलीस स्टेशन या ठिकाणी मिसिंग रजिस्टर झाली। एका मुलीची शाळेत कॉलेजला जाते सायन असं सांगून ती गेली आणि परत आली नाही, त्यामुळे सेम दिवशी वाशी रेल्वे स्टेशन पोलीस स्टेशनला एक ADR दाखल झाला। एका मुलाने रेल्वेखाली सुसाईड केली आणि त्याच्याकडे एक मोबाईल मिळाला डेड बॉडीजवळ, त्याच्यामध्ये एक सुसाईड नोट मिळाली आणि त्याच्यावरनं LO 1501 अशा नंबरसह ते सुसाईड नोट होती, ज्यामध्ये त्यांनी त्याच्या मैत्रिणीचा खून केलेला आहे असं त्यामध्ये लिहिलेलं होतं। या आधारे जेव्हा क्राईम ब्रांच, हा 12 तारखेचा इन्सिडेंट आहे December 2023, क्राईम ब्रांच नवी मुंबई यांच्या ASTU या शाखेकडे हा तपास 6 जानेवारीला आला। तपास सुरू केल्यानंतर बऱ्याचशा रेस्क्यू टीम्स सोबत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे लोक आणि सिडको यांच्यासोबत आमच्या PI अहेर आणि त्यांच्या टीमनी सर्च ऑपरेशन चालू केलं, ड्रोनचा वापर केला, त्यावेळेस शोधून आम्हाला LO 1501 या क्रमांकाच्या झाडाजवळ एक डेड बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत मिळाली। त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलं असता जी मुलगी मिसिंग होती कळंबोलीची, त्याच मुलीची डेड बॉडी तिच्या आईवडिलांनी ओळखली, आणि ज्या मुलाने वाशी रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी आत्महत्या केली रेल्वेखाली, त्याच मुलाने तिचा खून केलेला आहे असं होतं। आवाज स्टुडिओ, पंकज बिनवंशी, रिपोर्ट, नवी मुंबई।